बनेगा सुल्तान। नमस्कार, समाचार टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। पांच राज्यों का जनादेश आप सबके सामने है और इन पांच राज्यों के जनादेश में सबसे खास बात यह है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। जी हां, एक वक्त था जब राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को बहुमत मिला था, लेकिन आज मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला है और बहुमत भी ऐसा प्रचंड बहुमत। सीधी सी बात है, साफ बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से, बीजेपी से उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे काम हैं जो अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश के लिए करने हैं। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कुल मिलाकर जनता का पूरा जनादेश बीजेपी की तरफ गया है। उत्तराखंड का अगर मैं जिक्र करूं तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस पूरे तरीके से पस्त दिखाई दी है। मणिपुर और गोवा के नतीजे लगातार धीरे धीरे आ रहे हैं, आगे पीछे चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच पंजाब का जिक्र जरूरी हो जाता है। पंजाब में कांग्रेस ने वापसी की है। जी हां, जिससे कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा था, वो कांग्रेस आज पंजाब में एक बार फिर से वापसी कर चुकी है और पूरे तरीके से बहुमत तो उसके पास है, सरकार बना रही है। पंजाब से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। आखिर बीजेपी के इस जीत के मायने क्या हैं, इन सब बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और समाजवादी पार्टी से राहुल वर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। सबसे पहले नीरज जी आपके पास जाऊंगा। 325 के आसपास, 325 सीटें 403 में से, यह आकलन तो नीरज जी कोई भी नहीं कर पाया था। एग्जिट पोल्स भी आकलन नहीं कर पाए थे, इतनी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। अगर बात करें बीजेपी के आंतरिक सर्वे की तो वहां पर भी इतनी सीट्स नहीं दी गई थी, कैसे देखते हैं आप इसे? ये पूरा का पूरा चुनाव एक अलग प्रकार के फिनोमेना में रचा गया और पूरा परिस्थितिजन्य चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, बसपा और अन्य दल जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे, गठबंधन भी लेट हुआ और राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से इस गठबंधन से दूर रहा। तो ये पूरा चुनाव जो अगर हम इसे विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ये पूरे सभी पार्टियों को डिफीट की है और वो 325 सीट लेकर का ये एक्सपेक्टेशन करना, ये कि भाजपा इतने बहुमत ले पाएगी, ये किसी को भी अनुमान नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये भाजपा के नेताओं को भी अनुमान नहीं रहा होगा कि हम 300 प्लस सीट ले आएंगे, जबकि वो 322 तक पहुंच गए जो अभी रुझान आप लोग दिखा रहे हैं। और मैं तो एक बीच में एक बात आपसे जरूर कहूंगा नकुल जी, कि आपके समाचार टुडे ने लगातार सुबह से ही हम देख रहे थे मतगणना के समय से कि आप लगातार हर चीज पर बारीक नजर बनाए हुए थे और बहुत तेजी से आपने रिजल्ट लोगों तक पहुंचाए हैं और यहाँ तक आपने सीट वार यहाँ उसके कितने वोट आ रहे हैं, कितने बूथ वार और कितने राउंड आपने दिखाए सबके सब, वो आपको भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत मेहनत से श्रोताओं को और दर्शकों को बहुत तेजी से अपने आंकड़े दिखाए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी इस तारीफ के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है जनता तक हर बात जल्दी पहुंचे और सटीक तरीके से पहुंचे, सही पहुंचे। राहुल जी आपके पास आऊंगा, आपसे मैं बात कर चुका था इन तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव इन सब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जाहिर कर दी है, वो एक बहुत बड़े नेता है। उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया वो वाकई में दिखाता है कि वो परिपक्व नेता बनेंगे आने वाले समय में। फिलहाल उनकी हार जरूर हुई है, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहकावे में आई है। उत्तर प्रदेश की जनता को आखिर किसने बहकाया है राहुल जी? देखिए, अभी सुबह भी आपसे बात हुई, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती थी। इसे आप बदलाव को बहकावा भी कह समझ सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि शायद पिछली सरकारों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, एक नया मौका नए लोगों के बीच में हमें जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन ये तय है कि इनकी कटनी और कटनी में फर्क है। कहीं अगर जनता ने इन्हें चुना है तो निश्चित रूप से जनता इन लोगों के बीच में जब ये दोबारा अपनी बात करेंगे तो इनका विरोध भी होगा। आप ये देखिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, उस वक्त मायावती जी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार को बदलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी जनता ने, आज समाजवादी की बदलकर भारतीय जनता पार्टी की बना दी। तो उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, कुछ नया चाहती है, जो हमने देना भी चाहा, हमने नया किया भी, हमारी सरकार में जितने काम हुए
जब से देश आजाद हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर इतना काम किसी सरकार ने नहीं करने का। राहुल जी, दिक्कत यही तो है कि आप लोगों ने काम किया लेकिन उसके बाद भी जाकर कांग्रेस से गठबंधन भी किया। यूपी को ये लड़के पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है, तमाम तरीके के प्रचार भी किए गए लेकिन उसके बाद भी आप लोग से 55 सीटों पर सिमट कर रह गए। नीरज जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही कि बहकावा, और उसके बाद राहुल जी ने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा को छोड़कर सपा को चुना था और अब सपा को छोड़कर बीजेपी को चुना है, ये बदलाव उत्तर प्रदेश की जनता ने किस आधार पर लिया है? उस राजनीति से दूर हुई है उत्तर प्रदेश की जनता जो जातियों की राजनीति होती थी, धर्म की राजनीति होती थी, या फिर उस राजनीति से दूर हुई है जो परिवारवाद की राजनीति होती थी, एक जाति की राजनीति होती थी? सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ, जो मेरा विश्लेषण है पूरे उत्तर प्रदेश के मामले में जी, कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा, वो जनता का मूड भापने में विफल रहे। और जनता जो है वो शुरुआत के फेज से ही वो एक अलग प्रकार का ट्रेंड दिखा रही थी जी। और बाद के जो चुनाव से दो दिन पहले के जो लोगों की प्रतिक्रिया आई थी वो एक तरफा होती चली गई धीरे धीरे, जिसमें मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरनगर में और ये जो आसपास के इलाके हैं जहाँ 71 वोटों में 71 सीटों पर पहले मतगणना हुई थी, जिनमें एकदम उफान आया, और यहाँ क्योंकि जाट वोट बड़ी मात्रा में, राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा प्रभाव, और वो भाजपा का लगातार विरोध कर रहे थे खुलेआम, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इकट्ठा होना तो मुस्लिम वोट को निश्चित रूप से उसने आकर्षित किया। वहीं बसपा जो है जो अपने मुस्लिम वोट के भरोसे, और कई बार आपने देखा भी होगा कि मायावती बार बार मुस्लिमों से अपील कर रही थी कि वो बस समाजवादी के बजाय बसपा को वोट दें, उसके बजाय वो लोग समाजवादी पार्टी। नीरज जी, एक आपने मायावती का जिक्र किया है तो एक सवाल मेरे मन में उठता है, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, वो वाली स्थिति हो गई, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत ही मतलब सवाल उठाने वाली बात कही, उन्होंने ये बात कही कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बीजेपी कैसे जीत गई, मैं इस बात को कैसे मान लूं, क्या ये तय है कि भाई भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं देगा या फिर सिर्फ मुस्लिम का वोट बसपा या सपा को ही जाएगा? ये भी एक इस चुनाव के अंदर राजनीतिक दलों को सीखने की जरूरत है कि वो लगातार उस कम्युनिटी को फेस करते हैं, जितनी भी राजनीतिक दल है भाजपा के अलावा, कि वो लगता है कि मुस्लिम वोट सब वो नहीं देगा, लेकिन इस बार वो ट्रेंड बदला है, और वो ट्रेंड इसलिए बदला है, संभवतया तीन तलाक का मुद्दा हो जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के उस मूव को से प्रभावित होकर के अंदर खाने वोट दी, जिसे मुस्लिम समाज भी नहीं समझ पाया, और उसका भी एक नतीजा हो सकता है। दूसरा, मुस्लिम समाज का जो यूथ है, जो आज पढ़ा लिखा यूथ है, वो भी इस समय देश के अंदर चल रही गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं है, और वो समझ रहा है कि हम सब लोगों को पिछले 65 साल से लगातार, जब से देश आजाद हुआ है तब से गैर भाजपा ही मुस्लिम वोट का भूमिका रही है, लेकिन उसे मिला कुछ नहीं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में वो भी गया कि अन्य राजनीतिक दलों ने केवल मुस्लिम फोकस किया और भाजपा ने सब समाज को फोकस किया, तो वो 100% वोटर की भागीदारी उसको मिली, और अन्य पार्टियां केवल क्योंकि 18% वोट पर ज्यादा फोकस कर रही थी, तो वो जो ओबीसी वोट है, वो जो दलित वोट है, वो जो अगड़ा और पिछड़ा वोट है, वो डाइवर्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो इतना बड़ा भूमिका बनाई, और 45% मैं समझ रहा हूँ आप आंकड़े दे रहे थे कि 45% वोट शेयरिंग है भारतीय जनता पार्टी की, जब नाम में बहुत बड़ी बात है, जो राम मंदिर मुद्दे के बाद भी नहीं मिली। नीरज जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना, राहुल जी उससे पहले आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा, यही सवाल जो मैंने अभी नीरज जी से पूछा था। मायावती ने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी जीती है, ये गले से नहीं उतर रहा, उन्होंने कहा कि आपको उम्मीद है कि बीजेपी जीत सकती है मुस्लिम बहुल इलाकों से, सवाल मेरा ये है कि आप मुस्लिमों के वोट बैंक का हक सिर्फ बसपा के पास है या और तमाम उन दलों के पास जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, या फिर बीजेपी को भी उसका हक है? देखिए, मताधिकार जो होता है, जो मतदाता होता है वो अपना मत किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। और दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो आप लोग इस बात को कह रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं ने, उत्तर प्रदेश की जनता के ने और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर वोट किया है, जिसकी वजह है कि अगर आज समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अगर कमजोर हुई है तो उसकी वजह है कि जो बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट था, जो पिछड़ा वोट था, जो कुछ समाजवादी पार्टी पे था, मैं नीरज जी की इस बात को इत्तफाक करता हूं कि पिछड़े वोट को हम लेने में कहीं पीछे रहे, लेकिन मायावती
गांधी जी का जो ये हश्र हुआ है उसकी वजह है कि दलित समाज के लोगों ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया, जिसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को। रणनीतिक भूल भी है। चलिए 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 नीरज जी, अभी आपके पास दोबारा लौटूंगा, एक छोटे सा ब्रेक मुझे लेना होगा, छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के और 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। पंजाब पर भी हम बात करेंगे, गोवा पर भी बात करेंगे, मणिपुर पर भी बात करेंगे, उत्तराखंड पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए समाचार। कौन बनेगा सुल्तान।